तस्कर गिरफ्तार। पचवादन पुलिस ने 30 पेटी अवैध शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता चेकिंग के दौरान कुल्हाल और धर्मावाला चेक पोस्ट पर मिली। कुल्हाल चेक पोस्ट से पुलिस ने 15 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया है, जबकि धर्मावाला चेक पोस्ट से 14 पेटी के साथ भी एक शराब तस्कर को धर दबोचा गया। पुलिस माने तो आरोपी टवेरा और टोयोटा कार से शराब की तस्करी कर रहे थे, जिन्हें सीज कर लिया गया है। बरामद शराब की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों लोग हरियाणा से सस्ती शराब को चोरी छिपे उत्तराखंड ला रहे थे। ये जैसा कि आपको जानकारी है, इस समय नशे के खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो इसी क्रम में अलग अलग मामले हैं। पहला तो मामला एक स्मैक का है, एक फुरकान, ये रहने वाला रामपुर मनिहारन पड़ता है थाना सहारनपुर का, वहाँ का गांव का रहने वाला है, और ये सर 150 ग्राम के करीब जो है स्मैक बरामद हुई है, और कहाँ से ला रहा है, क्या ला रहा है, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी अलग अलग कीमत है, आपको 10 लाख भी मिल सकता है, 5 लाख भी मिल सकता है, 15 लाख, ये पहुँच की बात है कि आप इसको किस मार्केट तक ले जाते हैं, तो अलग अलग इसकी कीमत है। अभी तक हमारे पास प्राइमरी जानकारी है, इंट्रोगेशन इसका चल रहा है, उसमें ये जो है इसी के गांव का रहने वाला एक अन्य व्यक्ति है, उसमें उससे इसने खरीदी है, खरीद करके ये देहरादून इसको लाया था, इसको मार्केट में निकालता, और उस व्यक्ति ने कहाँ से खरीदी है। चौस का है,